लोग मुझे कहते हैं कि ना जुनैरा महम जो है ना आपकी बहन है। मैं इनकी बहन नहीं हूँ, मैं इनकी बेटी जैसी हूँ। नीचे ना कमेंट में आपको ना लिखा हुआ था चुगलखोर आंटी। किसी ने मुझे कुल्फी कहा, किसी ने मुझे वो पंजाबी में तीला कहा, किसी ने मुझे जापानीज गुड़िया कहा, पता नहीं क्या क्या मुझे बोलते रहे हैं, बट आई डोंट केयर। बेइज्जती अगर महसूस करे तो बेइज्जती होती है, वरना वो बेइज्जती नहीं कहलाती। ऐसा ही है। घर वाले भी नहीं खाना डालते आपको? नहीं सर, खाना देते देते। मैं कोई बिल्ली हूँ जिसके आगे खाना डालते हैं? किदार के बाद आप वो दूसरी बंदी हैं जिनसे मेरी अम्मी जेलस हैं। कोई बात नहीं, वो तो मेरे बाप जैसे हैं, अंकल हैं, तो फिर आपकी अम्मी को क्यों इतनी इनसिक्योरिटी है? क्योंकि वो अब मेरी अम्मा को ज़्यादा टाइम देने के बजाय आपकी वीडियोस देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं YK पे वो वाला शो। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ये एक एक्ट्रेस भी हैं, ये एक होस्ट भी हैं, ये एक यूट्यूबर भी हैं, ये एक कॉमेडियन भी हैं, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं जुनैरा महम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कैसी हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने सॉरी आपसे पूछा नहीं, आप चाय पीना पसंद करेंगी, जूस पीना पसंद करेंगे, पानी पीसा है पीना या फिर सिगरेट? पिछले 4 घंटे से आप मुझे यही पूछ रहे हैं, क्योंकि आप शेख साहब हैं तो मैं समझ सकती हूँ। आपने मेरे लिए बंटीज ही रखी हुई हैं, पानी तो आप, कोई फ्रेश जूस तो आप पिलाते नहीं हैं। ठीक ठीक, ये ना मैंने धोखा दिया, ये बंटी नहीं है, ये ना वो पत्थर होते हैं ना, उसको मैंने कलर किया हुआ। यानी कि आप नाक को चने चबवाने के लिए पास किए रखते हैं? यस, कंकर है, जब इधर कोई शैतान आ जाता है ना उस पर फेंकते हैं। और ये आपने मुझे क्या कहा है, सिगरेट? सिगरेट से मुझे ऐसे एलर्जी है कि जो इंसान सिगरेट पीता है ना, मैं उससे 40 मीटर दूर भाग जाती हूँ। अरे चल, जो पीता है उसको मसला होते हैं ना, आप खुद तो पी सकती हैं ना। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैं क्यों पीऊँगी भाई। अच्छा, मैंने सुने आप सियालकोट से आई हैं, तो इतनी दूर से आई, आप थक नहीं गई? मैं सियालकोट से क्यों आऊँगी, मैं तो लाहौर में रहती हूँ। नहीं नहीं, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था सियालकोट की हैं। मैं बिलोंग करती हूँ सियालकोट से, हमारे जो अबाओ अजदाद हैं वो सियालकोट से हैं। अच्छा, अभी आप वहाँ से नहीं आई? नहीं। पक्की बात है? पक्की। ठीक है, ये अच्छी बात। मैं सीधी घर से आई हूँ। ठीक। अच्छा मुझे बताएं, आपको देख कर ना लगता है कि या तो आप पठान हैं या फिर अंग्रेज़ ख़ानदान की हैं, तो आपकी ये गोरी रंगत कैसे हुई? इधर लाहौर या सियालकोट में तो धूप बड़ी होती है, काला हो जाता है बंदा। ऐसा नहीं है, सियालकोट में जो लोग रहते हैं उनको पता है अच्छे तरीके से कि वहाँ से कश्मीर जो है, मकबूज़ा कश्मीर, वो सिर्फ 28 मील दूर है, और वहाँ का जो वेदर है वो भी अप्रॉक्सीमेटली कश्मीर से मिलता जुलता है। और जहाँ तक मेरी बात है, अच्छा मेकअप का कमाल है, मेकअप करती हैं गोरा? नहीं, ये मेरी नस्ल का भी कमाल है। अच्छा, यानी आप अंग्रेज़ ख़ानदान की बात? नहीं, मैं क्यों अंग्रेज़ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, राजपूत हूँ, आधी कश्मीरी भी हूँ। लोग कहते हैं, ठीक है, बड़े लोग कहते थे, तो मैं आज ना आपको मैंने बुलाने का ये मकसद था कि लोगों की ना एक गलत फहमी दूर करा दूं, आपके मुंह से ही मैं कहलवा दूं। लोग मुझे कहते हैं कि ना जुनैरा महम जो है ना आपकी बहन है। यस, तो प्लीज़ लोगों को बता दें कि आप मेरी बहन नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इनकी बहन नहीं हूँ, मैं इनकी बेटी जैसी हूँ, तो प्लीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन एज। नहीं, आपने ये नहीं पूछा कि वो क्यों कहते हैं कि बहन, क्यों? लंबी नाक समझते हैं। यस एग्जैक्टली, ये कैसे पता लगा आपको? पता नहीं, मेरे खानदान में तो कहते हैं राजपूतों की नाक हमेशा ऊंची होती है, आपकी क्यों ऊंची है ये मुझे नहीं पता। हाँ नहीं, बचपन में ना क्या कहते हैं, मुझे नाक से पकड़ के मारा करते थे, इसलिए। तो आपके क्या क्या वजह हुई? आपको नाक पे पकड़ के अगर मारा करते थे तो नाक तो चिपटी होनी चाहिए थी मार मार के। नहीं, नाक को पकड़ के मुँह पे मारते थे। अच्छा, तो हमारा तो ख़ानदानी जो है वो आपको पता है ना, क्षत्रिया, क्षत्री, लड़ने वाले, जंगजू, तो उनकी नाक हमेशा लंबी होती है। यस, मैंने सुना वो बिल भतौड़ी जो थी वो भी राजपूत थी, बात ठीक है? बिल भतौड़ी? हाँ। नासा चौड़ी? यस, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी। एग्जैक्टली। आपने टेस्ट किया होगा, मैंने टेस्ट नहीं किया शेख साहब, आपने तो वो भी टेस्ट नहीं किया होगा, कुछ तो खिला दें पिला दें, मैं कितनी दूर से आ रही हूँ। आ रहा है ना, आ रहा, वो ऑर्डर दिया हुआ, ऑर्डर दिया हुआ है वाकई? अरे यार, इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, उसके बाद कहेंगे शेख साहब हूँ इजाज़त दो। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आप भी इसी फील्ड की हैं, मैं भी हूँ, आप एक मेरे खिलाफ वीडियो कर दे, मैंने अंदर हो जाना है, मैं नहीं ऐसा करूँगा। हाँ, मुझे आपसे बड़ा लो जी, ये तो कमाल हो गया, शेख साहब ने लिए जूस वाकई मंगवाया है, असली है ना? यस, भी वो डाला हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे नहीं दिया उसने, चलो ले गया,
शेख साहब ने पहले ही कहा होगा एक ही लेकर आना। नहीं थैंक यू मैं नहीं अच्छा, शुक्रिया। अच्छा वो दो स्ट्रॉ नहीं है ना तो शायद मैं भी शेयर कर लेता, वो भी मेरे साथ। हाँ नहीं 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 बिल्कुल ऐसे नहीं। अच्छा एक आप लोग, आपको कभी ना नाक पे जुगत नहीं पड़ी कभी ऐसा कुछ हुआ? मुझे तो बेशुमार जुगते हैं, आपको पता है खबरनाक में किसी ने मुझे कुल्फी कहा, किसी ने मुझे वो पंजाबी में तीला कहा, किसी ने मुझे जापानीज गुड़िया कहा, पता नहीं क्या क्या मुझे बोलते रहे हैं, बट आई डोंट केयर। ऐसी बात है क्योंकि मैंने सुना है कि बेइज्जती अगर महसूस करे तो बेइज्जती होती है, वरना वो बेइज्जती नहीं कहलाती। ऐसा ही है, वैसे लोगों को नहीं पता, ठीक है आप वैसे वो बता दें कि यस या नो मैं जवाब देते हैं, आपकी शादी हो चुकी है या फिर अभी नहीं हुई? सोच के याद करें, याद करें। कोई राजकुमार के बारे में सोचूं, है ना? हाँ हाँ, कि इसलिए कि आपके इस जवाब से ना अगला सवाल बनता है। अगर आपका सवाल यस है ठीक है तो फिर मेरा अगला सवाल नहीं होगा, अगर आपका सवाल नो जवाब नो है तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि आपका ना कैसा आइडियल होना चाहिए। आपके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा। हाँ और लंबी नाक वाला भी ना हो। नाक वाला फिर वो ना बच्चों सिर्फ नाक ही पैदा होंगे बच्चे। नहीं बड़ी खूबसूरत सी नाक भी होती है। अच्छा नहीं नहीं, जब दो नाक लंबी नाकें मिल जाएंगी ना तो बच्चा नहीं पैदा होगा, नाक पैदा होगा। चलो जो भी पैदा होगा अल्लाह की मर्जी, आपको क्या फिक्र हो रही है? ये एक्सपेरिमेंट कभी हुआ नहीं है तो ये एक्सपेरिमेंट तो ये कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जो किसी के साथ भी किया जा सकता है? ये तो जब वक्त आएगा, जब इसका वक्त आएगा तभी ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे ना। आ सकता है वक्त, कल परसों इंशाल्लाह जरूर आएगा। बस हाँ करने की बात है बस। हाँ आपने देखा ब्रेकिंग न्यूज, महम ने हाँ कर दी। मामी है ना जुनैरा माम, सॉरी जुनैरा माम ने हाँ कर दी। हाँ दोबारा हाँ, दो दफा हाँ हो गई, सिर्फ तीसरी हाँ बाकी है, तीसरी भी हाँ कर दे। वो तो मैं अब कभी भी नहीं करूँगी। आप आगे क्वेश्चन। अच्छा अच्छा चलें चलें आगे चलते हैं। अच्छा करीना कपूर ठीक है, मैंने सुना है ठीक है, या तो आप अपने आप को करीना कपूर कहती हैं या लोग आपको करीना कपूर कहते हैं, तो ये गलतफहमी किसको है? सीरियस मैं आंसर दूंगी इस पर। जी जी प्लीज। मैं समझती हूँ कि हर इंसान की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। ये आपको पता है कॉमेडी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कॉमेडी में एक वाहिद चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं है कि जब आप किसी आर्टिस्ट की तरह बन कर बैठे हैं। मैं ये समझती हूँ कि आप अपने आप को मनवाएं जो आप हैं। तो ये करीना कपूर वाला जो सीन है ये कुछ इस तरह से मेरे साथ रहा है कि पहले तो ये है कि वो एक बड़ी मंझी हुई आर्टिस्ट हैं, बड़ी खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, और मेरे लिए अच्छी बात है कि लोग मुझे उनके साथ मैच करते हैं तो मुझे लगता है अच्छा मैं भी ऐसी लगती हूँ। लेकिन मैं जुनैरा माहम हूँ, मैंने कभी ख़ुद को करीना कपूर के साथ मैच करने की कोशिश नहीं की, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जब मैं इस फील्ड में आई थी उस वक्त से लेकर अब तक ये चीज़ मुझे खुद नहीं पता थी। ये जब मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप करते थे ना तो वो जो मेरे फीचर्स जब इन्हेंस कर रहे होते थे तो वो मुझे कहते थे, या फिर मेरी जो स्क्रीन पे अपीयरेंस होती है, या आम तौर पे नहीं लेकिन जब स्क्रीन पे अपीयरेंस होती है, आपको पता है ना कैमरे की आंख डिफरेंट होती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो कैमरे पे जो है ना लोग अक्सर मुझे रिजेंबल करते हैं। अगर मैं यूट्यूब पे भी जब अपना वीडियो बना रही होती हूँ तो आधे से ज़्यादा वीडियोज जो हैं वो इसी तरह के होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी शक्ल मिलती है या नहीं मिलती। मैं जुनैरा माहम हूँ और मुझे साबित करना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, कितनी टैलेंटेड हूँ, और जब तक मैं हूँ मैं जुनैरा माहम। ठीक है चले साबित करने की ट्राई कर लेते हैं। एक मेरे पास है पिक्चर पड़ी हुई, ये जी ये ठीक है, ये आपने अपने ना फेसबुक पे लगाई थी, ये एडिट किसने की है? अच्छा ये ऐसा है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे रिजेंबल करते रहते हैं तो जो मेरे फैंस हैं वो मुझे बहुत सारी इस तरह की पिक्चर्स भेजते हैं, बेशुमार भेजते हैं। अच्छा ये पिक्चर आपके फैन ने? हाँ ये मेरे एक फ़ैन ने मुझे भेजी थी, और उसी ने मुझे ये दो फ्रेम्स में, यानी एक तस्वीर वो लगाई थी और एक ये ब्राइडल शूट था, तो उस पर उसने मुझे लगा के भेजी थी। करीना कौन है वो? करीना ये आप हैं? जुनैरा माहम ये? अच्छा ये है, ये करीना है। ठीक है ठीक है। हाँ ओके ओके ओके, तो उन्होंने आपको सेंड की? हाँ, तो आपने कहा कि मैं लगती हूँ कि नहीं? हाँ ये फिर मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दी थी क्योंकि मेरा जो फ़ैन है उनका ये कहना था कि प्लीज़ आप इसको अपलोड करें। हज़ारों तस्वीरें आती हैं लेकिन मैंने सिर्फ ये एक ही लगाई थी। कुछ लोगों ने कहा है कि आप अक्लमंद हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप सबके बारे में खिलाफ वीडियोज़ इसलिए करते हैं कि आपको उनसे थोड़ी बहुत जेलसी है।
आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मुझे किसी से, अगर कोई कॉम्पिटिटर है वो ये समझेगा शायद इसको मुझसे कोई ज़ाती रंजिश है, लेकिन मेरी ट्रेनिंग ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मेरी ज़ाती रंजिश है भी ना, तो जब मैं एनालिसिस करती हूँ तो मैं उस ज़ाती रंजिश को मद्देनज़र रखते हुए नहीं बात कर रही होती। मेरा काम है न्यूज़ पर अपना एनालिसिस देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक न्यूज़ आई है कि एक शख्स ने दूसरे को थप्पड़ मारा और वो एक सेलिब्रिटी था, जबकि सामने वाला सिर्फ उसके साथ तस्वीर बनवा रहा था। तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं ये भी बताऊं कि गलत किया, थप्पड़ मारा गलत किया, लेकिन साथ में मैं दूसरी साइड भी बता रही होती हूँ कि हो सकता है उसने उसको तंग किया हो, उसने आकर उसको जिच किया हो। तो उस पर मैं, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं दोनों साइड्स का नैरेटिव शेयर करूँ। उसमें होता क्या है कि ज़्यादातर तो लोग मुझे अप्रिशिएट ही करते हैं, इवन कि मैं अगर किसी पर तनकीद भी करती हूँ तो वो लोग बुरा नहीं मनाते हैं, क्योंकि मैं तनकीद सही कर रही होती हूँ। जब मुझे पता होता है कि मेरा ज़मीर जो है ना वो मुझे इस चीज़ का नहीं कर रहा कि जनाब जी मैंने सही बात की है या गलत बात की है या मैंने ज़ाती रंजिश को रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें अगर लोग ये समझ लें तो वो फिर उनका ज़र्फ़ है, मेरा तो काम है। अब जो भी न्यूज़ आएगी मैं ये तो नहीं सोचूंगी ना कि मेरा इससे ताल्लुक़ है तो अब मैं इस पर न्यूज़ नहीं बनाऊंगी, बाकी सारी दुनिया न्यूज़ बना ले और मैं रह जाऊँ सिर्फ इसलिए कि मेरा ताल्लुक है, अच्छा है या बुरा है, तो मैंने उस पर न्यूज़ देनी देनी है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आप ऐसे डांट रही हैं जैसे मेरा कसूर है सारा। नहीं, आपका कसूर नहीं, आप सवाल देखे ना कैसे कैसे पूछ रहे हैं। वही तो मैंने पूछा, मुझे गुस्सा वैसे आ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ लोग कहते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं कहता, कुछ हो रहा है, लोग कहते हैं। हाँ हाँ, तो वो एक और ना मैंने नीचे ना कमेंट मैंने एक पढ़ा हुआ था, ठीक है, एक आपके ना फैन था या फैन, एक तो फैन होता है ना एक अनफैन होता है, ठीक है, यानी जो आपको नहीं करते पसंद, यस हेटर, हाँ हेटर। उसने नीचे ना कमेंट में आपको ना लिखा हुआ था चुगलखोर आंटी, तुम ये क्यों किया? अब आपको पता ही है कि कमेंट्स हमेशा सारे के सारे अच्छे तो नहीं आ सकते, बुरे कमेंट्स भी आएंगे, बैड कमेंट्स भी आएंगे, लेकिन ज़्यादातर वो लोग कमेंट्स करवाते हैं, ये थोड़े प्लांटेड किस्म के भी होते हैं, हर तरह के कमेंट्स होते हैं। वैसे मैंने नोट किया था उस बंदे को ना लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा था, उस बंदे को अंकल कह दिया, उस बंदे को पता नहीं क्या कहा, यार तुम कौन होते हो ये वो, यानी आपके जो फैंस हैं उसने आप कसर पूरी कर देते, प्यार करते हैं वो बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जैक्टली वही हुआ था ना बेचारे के साथ, चले कोई ऐसा मसला नहीं। तो ना कुछ ना पिक्चर्स हैं, ठीक है, वो मैंने ना सिलेक्ट की हैं, ठीक है, वो पिक्चर सेगमेंट में जो आपने जिन जिन लोगों की न्यूज़ वगैरह की है ना उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है आपने बताना। आयशा सना, आयशा सना की न्यूज़ मैंने दी थी कि ये फ्रॉड करके भाग गई हैं और तमाम अखबारात में आया था, इसको मैंने कवर किया था। लेकिन पर्सनली अगर आप पूछें तो मेरी इनसे मुलाकात हुई थी रॉयल न्यूज़ पे और वहाँ पर मैंने इनको देखा था, अच्छी खातून हैं, काम अच्छा करती हैं, अपने काम की माहिर हैं, अगर आप काम के हवाले से पूछ रहे हैं, अच्छी इंसान हैं। लेकिन अब अच्छी इंसान इसलिए नहीं कह सकती कि वो किसी के पैसे लेके फरार हैं। हरीम शाह, हरीम के बारे में ना एक बात कहूँगी सब लोगों के सामने, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि वो एक फाहिशा है, आपने उसके साथ वीडियोस बनाए, आपने उसका होम टूर किया। देखिए, जब कोई न्यूज़ आ रही है और वो डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट में है, उसका नंबर मेरे पास है, तो मैं उसे कॉल करूँगी, मैं उसे पूछूँगी कि आप बताएं आपकी क्या राय है। तीन तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो वाकई जेन्युइन और अच्छे लोग हैं, जो पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरे वो तरह के लोग हैं जो फहश किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख़राब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या आप उन्हें समझें कि वो बहुत ही लिबरल हैं। मगर तीसरे जो तरह के लोग हैं ना, वो सबसे ख़तरनाक हैं। वो इसलिए कि वो अच्छे बन रहे हैं, वो स्क्रीन पे प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से वो गलीज़ हैं। तो मैं कहती हूँ कि सबसे ख़तरनाक वो हैं जो ड्यूअल पर्सनालिटी के लोग हैं। हरीम के बारे में ये है कि इनसे अगर आप पूछेंगे ना कि आपने ये काम किया जो गलत काम है, तो वो कहेंगे हाँ मैंने किया। इवन आप ये देखें कि कुछ दिन पहले मुझे इनका फ़ोन आया, इन्होंने मुझे कहा कि मेरे बारे में न्यूज़ आई है कि जी मेरी एक वीडियो लीक हो गई है और आपके एक साथी यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है और मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं, और बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तो मैंने कहा आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपके बारे में तो आए रोज़ इस तरह की न्यूज़ बनती है। तो हरीम ने कहा कि मुझसे अगर गंदी वीडियो की बात कर रहे हो ना, तो गंदी वीडियो मुझे वैसे ही बताओ, मैं आपको चार बना के भेज दूँ। मतलब वो इतनी बोल्ड है, लेकिन मेरे बारे में गलत बात ना करो, जो सच है वो बताओ, जो झूठ है वो मत बताओ। तो मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि वो अपने आप को छुपाती नहीं है, वो जो है जैसी हैं वैसी ही हैं आप लोगों के सामने। अच्छा, ये इन्होंने कहा था कि मुझे इन्हें अगर मैसेज किए जाए तो ये गंदी वीडियोस अपनी सेंड कर सकती हैं, तो मुझे इनका नंबर दे देंगे? हाँ, मैं आपको नंबर दे दूंगी और उनको मैं ब्रीफ भी कर दूंगी कि उन्होंने आपको फिर क्या कहना है आगे से। ठीक है, तो मुझे सेंड कर देंगे ना वो? हाँ, कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये नेक्स्ट
मुझे कोई हक तो नहीं पहुंचता, लेकिन जो भी बुरा लफ्ज मैं कह सकती हूँ मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन इनके लिए वो ये डिजर्व करते कह हैं। दे, मैं टांग लगा दूंगा, कह दे। ये रंगबाज मौलवी होते हैं, अल्लाह माफ करे, तमाम नहीं, लेकिन ये इस तरह के लोग होते हैं जो मुफ्तियों को बदनाम करते हैं, जो इंसानियत को बदनाम करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इनकी ढिटाई ऐसी होती है कि शर्मिंदा भी नहीं होते। हाँ, ऐसी 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 ढीठ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हाँ, ये रेहाम खान। रेहाम खान मुझे लगता है कि बड़ी वेल स्पोकन है और बड़ी ग्रेसफुल इनकी पर्सनैलिटी है। और इनका भी मुझे ये लगता है कि जितनी तनकीद इनके ऊपर होती है, जितना लोग इनको बुरा भला कहते हैं कम उसके है। क्यों कम है, वो फिर भी देखें बोलती हैं, बात करती हैं हर प्लेटफॉर्म पे। वरना एक खातून कितनी तनकीद बर्दाश्त कर सकती है, उसके बावजूद वो बोलती हैं और अपना हक इस्तेमाल कर रही हैं, तो ठीक है। ठीक है, ठीक, चलें नेक्स्ट। उज़्मा खान एंड उनकी बहन, पता नहीं कौन सी खान। इनके बारे में जब न्यूज़ आई सबसे पहले, तो मैं इन दोनों को पर्सनली नहीं जानती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये तो पता था कि मॉडल्स हैं, लेकिन ये नहीं पता था दोनों बहनें हैं। ये खबर जब मेरे पास आई तो सब यूट्यूबर्स ने खबर दे दी, लेकिन मैं इस इंतज़ार में बैठी रही कि लड़कियां हैं, मैं इनके बारे में क्या बोलूं। फिर उसके बाद मैंने एक सहाफ़ी से रब्ता किया, एक रिपोर्टर से रब्ता किया। उन्होंने मुझे कहा कि इनका ताल्लुक जो है ना वो बाज़ार हुसन से है। मैं बहुत ज़्यादा ना शॉक्ड रह गई, फिर मैं परेशान हुई। उस वक्त ये था कि पिछले साल की खबर थी, मैं थोड़ी इमेच्योर थी यूट्यूबिंग में, लीनियर मीडिया में। शायद मैं पर्दा रख लेती, मुझे रख लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ये ब्रेक कर दी थी न्यूज़। उसके बाद फिर वकार जक्का ने, दूसरे लोगों ने भी बताना शुरू कर दिया। मेरा नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि एक यूट्यूबर का ये दावा है, जबकि ये मेरा दावा नहीं था, ये मेरा सोर्स था। मैंने उन सहाफ़ियों से कंफर्म किया था, उन्होंने मुझे ये न्यूज़ दी थी। और साथ में मैं बताऊं, जैसे आयशा अकरम वाला वाक्या पेश आया मीनारे पाकिस्तान पे, तो आयशा अकरम के हवाले से मेरे पास कुछ इसी तरह टाइप की ख़तरनाक किस्म की डिटेल्स थी, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया। मैंने सोचा कि पर्दा रख लेना बेहतर है, और मैंने सिर्फ उन चीज़ों का जिक्र किया जिसमें कि उन्होंने हमारे मुल्क को या चीज़ों को डैमेज करने की कोशिश की। हुई ज़्यादती उनके साथ, मैं उन लोगों को जस्टिफाई नहीं करी जिन्होंने जुल्म किया, लेकिन जो उनकी पर्सनल डिटेल्स थी ना वो मैंने नहीं बताई। नेक्स्ट, वीना मलिक। वीना मलिक जो हैं बहुत ही रूड हैं, और किसी भी वक्त इनका मूड बदल जाता है। यानी इसी लम्हे अभी ये मुझसे बात करेंगी, तो इनके लिए मैं बड़ी कमाल की बंदी होंगी, क्योंकि ये मेरी बड़ी थैंकफुल थी, इसलिए कि इनका बच्चों का एक मामला चल रहा था, और उसमें इनके हस्बैंड ने मुझे खुद कांटेक्ट किया था, रब्ता किया था बाहर से, ओवरसीज़ से उन्होंने मुझे कॉल की थी। उन्होंने मुझे कहा कि आपने इनका नैरेटिव बताया, मेरा नैरेटिव भी बताएं। फिर मैंने दोनों को लाइन पर लिया, दोनों का इंटरव्यू लिया, और उसके बावजूद उस वक्त तो ये मेरी बड़ी थैंकफुल थी, लेकिन अभी इन्होंने अपनी लिप्स की ना एक सर्जरी करवाई है, तो उस सिलसिले में मैंने इनसे रब्ता किया, तो इन्होंने कहा मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। वो शायद बात वो करना मुश्किल हो गई ना, उन्होंने सर्जरी कराई थी तो बात करना मुश्किल होगी उनके लिए। हाँ, और अभी इनका फिर से एक मसला मामला जो है वो फिर से निकलने वाला है, और अन करीब उसको भी मैं बताऊंगी, क्या क्या वो बता नहीं सकती अभी। अच्छा, कुछ और है, कोई नई तो नहीं वीडियो आ रही कोई? नहीं, वीडियो तो नहीं आ रही, इनके बच्चों के मामले से ही रिलेटेड है। ओ, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये आमिर लियाकत, उनकी वही, ये वाकई इनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? मुझे अगर आप पर्सनली पूछें तो ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है। डॉक्टर आमिर लियाकत, आपसे माजरत के साथ, क्योंकि पहले भी आपसे मेरी बात हो चुकी है। अगर आप मेरी राय पूछते हैं तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह से होता है ना, लड़कियों को वर्गला के उन अपना मतलब पूरा कर लिया, और उस वक्त जब मतलब पूरा कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये कहते हैं हाँ तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ अल्लाह गवाह है, और मेरी तुम्हारी शादी हो गई। लेकिन बाद में जो लड़की आगे सब कहती शादी हो गई, तो वो फिर बाद में चीज़ें आती हैं, सबूत कहाँ है? सबूत नहीं है इस लड़की के पास। तो सबूत नहीं है तो मुझे तो शक है, इस ये एक दफ़ा इनकी मुलाकात हुई है, एक दफ़ा की पिक्चर है, तो वो सिर्फ इसे उन्हें पसंद कर रही थी आमिर साहब को, मगर इनकी शादी नहीं हुई हुई, क्योंकि शादी के लिए सबूत ना ज़रूरी होता है, या तो पिक्चर हो या फिर निकाहनामा हो या फिर कोई गवाह हो, तीनों नहीं थे। देखें, इस लड़की ने डायरेक्ट मुझे कॉल किया, ये लाहौर आई थी, और तकरीबन 50 के करीब यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इनकी न्यूज़ को कवर किया था, सिर्फ वाहिद एक मैं थी जो मैं वहाँ नहीं गई थी। इन्होंने मुझे कॉल करवाई थी, एक हमारे जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उनसे इन्होंने कहा कि जुनैरा नहीं आएंगी तो मेरा ये चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं चीज़ों को पहले क्लैरिफाई करूं, क्योंकि मेरा आमिर लियाकत हुसैन के साथ बड़ा अच्छा एक अच्छी ताल्लुकात थे, बट
उसमें फिर जब मैंने इस लड़की से पूछा, जैसे इसने चेक दिखाया था कि आमिर लियाकत रात के 2 बजे इनके घर गए, चेक दिया, तो देखें अगर आप किसी को जानते ही ना हो, आपका किसी से वास्ता ही ना हो, तो चेक कैसे उसके पास आ गया? हो सकता है फिर कोई दाल में काला हो। हाँ हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये लड़की, इसको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय, मतलब मुझे लगता है उसने फेम लेना था, उसको फेम मिल गया दोनों साइड से। अच्छा ये अच्छा ठीक है, इनकी वीडियो पिछले दिनों एक लीक हुई है, बल्कि 2 वीडियोज़ लीक हुई हैं, मैंने सुना आगे भी वीडियोज़ कोई लीक इनकी हो रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है? चले वो तो पहले हो गया, ठीक है, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, उसके बाद जो हो रहा है और ये बंदी जिस तरह अपने आपको कैश करा रही है, वो आपको प्लान्ड नहीं लग रहा? प्लान्ड की बात वाली, पहले तो इन्होंने ये प्लानिंग जो की हुई थी ना मीनारे पाकिस्तान पे जाके ये सब करने की, इस प्लानिंग थी, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि लोग इस तरह से घसीटेंगे, और फिर वो वहाँ पे जारी बताया, एक अकेली लड़की तो नहीं कंट्रोल कर सकती। इनके एक हमसाए हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था और उन्होंने मुझे इनके बारे में बहुत सारी, मैंने आपको बताया, नाजेबा किस्म की डिटेल्स दी थी, लेकिन क्योंकि वो इनकी पर्सनल लाइफ है तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। नहीं नहीं ठीक है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है चलें, ये फिर दोस्त आशिक एवान मेरे शहर से हैं बेसिकली, बल्कि सियालकोट सिटी के पास एक गांव है, वहाँ की ये खातून है, और इनकी अजमत को यूं सलाम है कि ये बड़ी दबंग है, और गांव इनका ऐसा है कि अगर आप जाके देखें तो कोई सोच नहीं सकता कि वहाँ पे कोई लड़की बाहर निकल सकती हो, ऐसा माहौल है, बहुत रूरल एरिया है। उसके बावजूद इन्होंने वहाँ से ये निकली, एक छोटे से कस्बे से बाहर निकली, और आज आप देखें सियासत इनके बगैर इनकम्प्लीट है। इसका मतलब वो ये बदमाशी वहाँ नहीं करती थी, शहर में आके करने शुरू की। आप जो मर्जी मतलब निकालें, मैंने कह दिया जो मैंने कहा। हाँ हाँ अच्छा, ये क्या नाम है इनका, जो नाम इकरारुल हसन, इकरारुल हसन साहब के बारे में क्या ख्याल है? ये जो पहले वाले इकरार साहब ने, बाद वाले इकरारुल हसन से मेरी मुलाकात हुई भी है एक मरतबा, और ये बहुत ही डिसेंट इंसान है, बहुत अच्छे हैं, खिदमत भी। सबसे बड़ी बात ये कि देखें इस तरह का प्रोग्राम करना जो ये करते रहे हैं, हम लोग यूट्यूबिंग करते हैं, हमें आए रोज़ लोग धमकियां दे रहे होते हैं, तो ये तो बल्कि मेनस्ट्रीम मीडिया पे अपनी टीम के साथ जगहों पे जाना, छापे मारना, ये सब करना, और उसके बाद आपको पता है इतने बड़े बड़े माफियाज़ को जब आप पकड़ते हैं तो आपको छोड़ते नहीं हैं, तो ये तो एक जिहाद कर रहे हैं। नहीं, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, मैंने सुना है कि इनका भी इनका ही था प्लान, नहीं वो जो सारा का, क्योंकि वो जो, रैम्बो था वो इन्हीं का बंदा था। असल में ना ये पूरे पाकिस्तान में गए थे और इन्होंने अपनी टीम्स के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए डिफरेंट टीम्स के लोग हायर किए थे कि जो मतलब खबरी, यू नो, कि हमें खबर देंगे और ताकि पूरे पाकिस्तान के साथ हम कनेक्टेड रह सकें, तो रैम्बो भी इनकी टीम का एक हिस्सा ज़रूर था, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। आपको नहीं पता? नहीं पता है, लेकिन मैं इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकती ना। ठीक है ठीक है, यानी आपको शक नहीं है ये? मुझे ये लगता है कि जब ये वाकया हुआ होगा तो उस वक्त इनके साथ यासर शामी भी थे, तो इन्होंने क्योंकि ख़ुद भी क्लैरिफाई किया है कि यासर ने कहा कि खातून से रब्ता किया जाए, इनके पास कांटेक्ट नंबर इसलिए आ गया होगा क्योंकि वो लड़का इनकी टीम का था, इन्होंने उनको बुलाया था अपनी तरफ, और उसके बाद बाकी फिर मैं किसी की नियत पे बात नहीं कर सकती। ठीक है ठीक है ठीक, चलिए ये इनका नाम है मुझे बोल, मारवी सरमद, व्हाट डू थिंक अबाउट, शॉर्ट में? गलीज थिंकिंग को पाकिस्तान में प्रमोट करने वाली खातून, खातून कहना इनके लिए बेइज्जती है, मतलब मैं बेइज्जती है मेरे लिए अगर मुझे खातून कहा जाए और इनको भी कहा जाए। ठीक है, मैं भी नहीं कहता। ये मथीरा पाकिस्तान के अंदर गलाजत फैलाने वाली खातून, नहीं देखें उन्होंने तो बटा लिया हुआ है, देखें तो बिल्कुल, अब मैं मजीद क्या कहूँ, मतलब आप तो ये क्या स्टाइल हुआ मुझे बताएं, इन्होंने बटा लिया हुआ है। जिसके पास जो होता है ना वो दिखाता है, जिसके पास टैलेंट है वो टैलेंट दिखा के नाम बनाएगा, इनके पास दिखाने को यही है तो वो यही दिखाएंगी, उनके पास टैलेंट तो है नहीं है, ना बोलना आता है, ना एक्सेंट है, ना क्वालिफिकेशन है, तो फिर यही है जो वो दिखा रही हैं। ठीक है चलें, मैं भी यही ही देखता हूँ। अच्छा ये यहाँ के लिए भी आपने एक वीडियो की थी, आपको याद, उसके बड़े व्यूज़ मिले थे, बहुत ज़्यादा। हाँ न्यूज़ आती रहती हैं, जब न्यूज़ आती है तो उस पर एनालिसिस करना मेरा फ़र्ज़ है, और बाकी और मैं क्या कह सकती हूँ उनके बारे में। मियाँ पे क्यों की थी आपने वीडियो? न्यूज़ आई थी तमाम न्यूज़पेपर्स में, और फिर लोगों ने पूछा कि आप इस पे एनालिसिस करें, अब वो कोई भी शख्सियत हो, अच्छी से अच्छी हो, गंदी से गंदी हो, जब न्यूज़ आ जाएगी तो उस पे एनालिसिस देना मेरा फ़र्ज़ है। जितनी भी आपने पिछली न्यूज़ की, आप सबको कहीं ना कहीं से जानती हैं, इन्हें आप जानती हैं? नहीं।
तो बाकियों को नहीं जानती, तो बाकियों पे आपने नहीं, मुझे ये पता है कि ये कुछ फहश किस्म की वीडियोस बनाती हैं, बट अगर आप मुझे ये कहें कि मैं उन लोगों में से हूँ जो खुद देखती हूँ, तो ऐसा नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। हेलो हाय की बात करो, बाकी जितने भी लोगों से आपने की वीडियो, आपके उनके साथ हेलो हाय हुई, आपने उनसे पूछा कन्फर्म किया कि बात ठीक है कि नहीं, इनकी जो आपने न्यूज़ की, आपने इनसे इनको कॉल नहीं की? नहीं, मैंने इनको कॉल नहीं की, मैं कहीं से नंबर अरेंज करवाती हूँ और मैं आपको दे दूंगी। हाँ मैं ये चाहता है, ये चले, इनके खिलाफ भी आपने न्यूज़ की थी काफ़ी। अच्छा, ये खिलाफ मत कहें प्लीज, क्योंकि अच्छा, देखें इन पे नहीं, खिलाफ तो वो होता है जो किसी के खिलाफ होता है। इनके हवाले से कुछ वीडियोस आए इंस्टाग्राम के ऊपर कि ये शराब नोशी करते हुए, इन्होंने ये वीडियो आपके सामने है, शराब नोशी की खुलेआम और पार्टी की, और उसमें इन्होंने बहुत फोहश किस्म की चीज़ें की, फिर गोद में बैठ गई मोहतरम के, और वहाँ पर बहुत अजीबोगरीब किस्म की स्विमिंग पूल की वीडियो। अब देखिए, यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आजकल मैं एक सीरियल कर रही हूँ तो उसमें हमारी एक एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की लीडिंग, उनको मुझसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने उन पर भी व्लॉग्स बनाए थे। अब देखिए, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इनके भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ क्योंकि मैं इनको पर्सनली तो जानती नहीं हूँ, लेकिन जब न्यूज़ आएगी, जब आप अपने वीडियोस खुद इंस्टाग्राम पे लगाएंगे, वहाँ पे फिर आपने कमेंट सेक्शन ओपन छोड़ दिया है, उसके बाद लोग आपको गालियाँ देंगे या लोग आपके बारे में, आप शराब नोशी करें, आपको अच्छा तो नहीं कहेंगे। जब इतनी ज़्यादा बात फैल जाएगी और बात यहाँ तक आन पहुँचेगी कि जी पाकिस्तान का माहौल ख़राब हो रहा है, या आपकी कुछ लिमिट्स होती हैं, और अगर फ़र्ज़ करें कि आपको लगता है कि कोई आपके बारे में बात ना करे, किसी को हक नहीं पहुँचता, तो फिर आपको भी हक नहीं पहुँचता कि पब्लिकली आप अपने इस तरह के वीडियोज़ को अपलोड करें। अब जब आपने अपलोड कर दिए हैं और आप एक एक्ट्रेस हैं, आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो फिर लोग उस पर बात करेंगे। वो औरत मार्च वाली ख्वातीन ही कहते हैं ना कि औरतों को तो कम से कम औरतों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए ना, औरतों बात नहीं करनी चाहिए, जो गलत होगा वो गलत है, अगर वो मर्द है या औरत है, अगर वो गलत कर रहा है तो मैं गलत को गलत कहूँगी। खबरनाक आपका शो था, ठीक है, जो खबरनाक जो प्रोग्राम है वो आपकी वजह से इन्होंने नाम रखा था। हाँ, मेरे नाक की वजह से, खबरनाक है ना, खबर भी मैं देती थी और नाक भी मेरा ही था। yes. बिल्कुल, वो मेरे लिए ही बेसिकली डिजाइन किया गया था। देखो मैंने मुझे शक ठीक था तो ये आफ्ताब इकबाल सही, ठीक है, आफ्ताब इकबाल सब कहते हैं, जितने लोगों को मैंने बुलाया है, जितने लोगों से मैंने सवाल किया, सब कहते हैं कि आफ्ताब से बुरा कुत्तों वाली कोई नहीं करता, बहुत डांटते। तो मैंने सुना आपको भी बड़ी डांट पिटी हुई आफ्ताब साहब से। आप मुझे फॉलो करते रहे या नहीं करते रहे हैं? करता रहूं नहीं करते रहे आई थिंक, क्योंकि मैंने आफ्ताब इकबाल के साथ कभी काम नहीं किया। आफ्ताब साहब के टाइम पे नहीं थी आप? नहीं, आफ्ताब के साथ मैं कभी शो नहीं किया। मेरा आफ्ताब इकबाल साहब के साथ बड़ा अच्छा एक रिलेशन है, हमारे टर्म्स है उनके साथ फैमिली, और मैं उनके पास जाती भी रहती हूँ। मैंने रिसेंटली अभी उनका होम टूर भी किया था, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, वो मेरी फैमिली को जानते हैं, मैं उनकी फैमिली को जानती हूँ, हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन मैंने उनके साथ काम नहीं किया। पक्की बात है, शायद मुझे शक पड़ता है, शायद मैंने कहीं देखा था। नहीं, वो जिस वीडियो की बात आप कर रहे हैं, उस वक्त मैं खबरनाक को मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था। वो एक ट्रायल, एक ओनली वन एक शो होगा जो मैंने उनके साथ किया होगा, अदरवाइज मैंने उनके साथ परमानेंटली काम नहीं किया। जब वो छोड़कर चले गए थे खबरनाक, उसके बाद मैंने खबरनाक ज्वाइन किया। इसका मतलब है उन्होंने आपको लिफ्ट नहीं कराई कभी? बिल्कुल नहीं कराई, यानी आगे टाइम पे आपको नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो फिर इसका मतलब चलें कोई ऐसा मसला नहीं है। सिलेक्ट मुझे वैसे उन्होंने ही किया था, लेकिन वो चले गए थे तब खबरदार पे। उन्हें इतना वो अपनी सिलेक्शन पे अफसोस हो गया था कि उन्होंने छोड़ ही दिया। ये हो जाता है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, आपको पता है मेरे अब्बू जो हैं, ठीक है, वो आपके इतने बड़े फ़ैन हैं, इतने बड़े फ़ैन हैं कि आपकी सोच है, आपकी हर वीडियो उन्होंने 3-3 बार देखी हुई है, और मुझे भी वो हर दफ़ा जब आपकी नई वीडियो आती है कहते हैं देखो, और मुझे ज़बरदस्ती आपकी वीडियो वो दिखाते, मुझे वो तो आपके लिए सजा पड़ती है। तो मेरे अबू को प्लीज़ हेलो हाय कुछ मैसेज दे देंगे, उनका नाम है अरशद महमूद, प्लीज़ उन्हें कुछ। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप मेरे वीडियोज़ को देखते हैं और इनको ज़बरदस्ती दिखाते हैं, उसके लिए डबल शुक्रिया। हाँ, और मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत वाली ज़िंदगी दे। आपको पता है आपसे पहले वो किसको पसंद करते थे? वो पसंद करते थे उन्हें दीदार को। अच्छा, तो दीदार को, दीदार के बाद आप वो दूसरी बंदी हैं जिनसे मेरी अम्मी जेलस हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, वो तो मेरे बाप जैसे हैं, अंकल हैं, तो फिर आपकी अम्मी को क्यों इतनी इनसिक्योरिटी है? क्योंकि वो मेरी अम्मा को ज़्यादा टाइम देने की वजह आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं।
तो आंटी के लिए भी मेरा मैसेज है कि आंटी आप भी अंकल के साथ बैठ के मेरे वीडियोस देखा करें। हाँ ये भी है ना? ये भी। अच्छा आप वैसे कभी डांस आपने किया कि नहीं? क्योंकि मैं जब आपका नाम सर्च किया था ना उसके बाद ना डांस आया था, तो लोग आपके डांस सर्च करते हैं, तो कोई डांस है या फिर वो सारी वीडियोस डिलीट हो गई? देखिए मैं एक्ट्रेस भी हूँ, मॉडल भी हूँ, होस्ट भी हूँ जैसा कि आपने कहा, तो अभी वैसे अभी तक तो कोई ऐसा डांस वाला वीडियो है नहीं मेरा, लेकिन आने वाला इस तरह से है कि मैंने एक फीचर फिल्म में काम किया है और उसमें ऑब्वियसली जो फिल्म होती है उसमें डांस भी होता है। यानी डांस आपका आ रहा है? हाँ वही वही वही, शायद शायद मेरे पास शायद पिक्चर्स हों, शायद पिक्चर्स जमा करने का शौक है, तो ये उसी की तो नहीं है तस्वीरें? ये उसी की है, ये हमारी एक फिल्म आ रही है और फिल्म का नाम है गोल गप्पो और ये कॉमेडी सटायर बेस्ड फिल्म है बेसिकली, और ये एक पतली लड़की और एक मोटी लड़की की जिंदगी पे बनी हुई फिल्म है। तो पतली तो आप है, पतली तो मोटी कौन है? वो हैंक। ठीक है, यानी इसके अंदर आपका डांस देखने को मिलेगा? जी जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई। तो मुझे बताएं आप इतने अरसे से पतली कैसे हैं? जब से मैंने आपको देख रहा पतली की पतली हैं, आपको खाने को नहीं मिलती ये चीज़ें, क्या मसला क्या? पाकिस्तान के हालात देखें, जब से गवर्नमेंट आई है लोग बेचारे कितने भूखे हो गए हैं। एग्जैक्टली, तो आपको भी नहीं खाना मिलता? नहीं। आप घर वाले भी नहीं खाना डालते आपको? सॉरी खाना देते देते मैं कोई बिल्ली हूँ जिसके आगे खाना डालते हैं? नहीं, मुझे कहते रहते हैं ना। जब मैं लोगों को बताती हूँ तो अक्सर लोग समझते हैं कि मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ, एक्सरसाइजेज करती हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की है। मैं कभी कभार योगा के बारे में सोचती हूँ, कभी एक बार साल में कर लिया, दो बार कर लिया वो कोई, लेकिन हमारी जो पूरी फैमिली है उसमें सब लोगों की यही खासियत है, नाक लंबा है, कद लंबा है, गर्दन लंबी है और स्मार्ट है सबके सब। हाँ तो वही मैंने नोट किया, जितना बोलती हैं मुझे सुना है मैंने, ठीक है आप टू क्लास में थी तब से आपको बहस करने का शौक है? मैं सबसे डिबेटर हूँ। हाँ तो ये अभी भी आदत है आपकी? अभी तक आदत, बचपन से? बचपन से। कभी चुप क्यों नहीं करती हैं आप? आप घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं, मैं समझ नहीं आ। अब क्या जवाब दूं मैं आपको इसका? ना, नहीं, पापा, हेलो पापा, जरा जल्दी आए, इनका थोड़ा इलाज करें। कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं आप? करते हैं बड़ी खुशी के साथ, कानों में रुइयां ठोस कर रखते हैं, क्या करते हैं? अब मैं उनकी बेटी हूँ तो बर्दाश्त तो करेंगे ना। ये भी है। करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा आपने एक्टिंग, ठीक है आपको एक्टिंग का पहले भी शौक था शुरू से, ठीक है अभी भी है, तो अब एक्टिंग कैसी चल रही है? मैंने सुना आपने ड्रामे पहले भी किए थे, अभी भी कोई नए आ रहे हैं, कौन से ड्रामे आ रहे हैं? हाँ अब ये शुक्र करें आपने ये सवाल नहीं पूछ लिया कि बड़े ड्रामे करती हैं आप। मैंने अभी तक 15 ड्रामास किए हैं जिसमें टेलीफिल्म सीरीज और सीरियल्स शामिल हैं। एक फीचर फिल्म की है तेरे इश्क ने चाहा और एक फिल्म ये गोल गप्पो जो अभी आ रही है। तो खबरनाक में थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि आप जब हफ्ते में 4 दिन लगातार स्क्रीन पे होते हैं तो फिर आप ड्रामा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है ड्रामा के तो स्पेल्स होते हैं, उसके लिए आपको कराची में 10-10, 15-15 दिन के लिए जाना पड़ता है। तो अब जब से मैंने खबरनाक छोड़ा है तो तब से मैं दोबारा ड्रामा की तरफ आ गई हूँ। तो आपने वैसे शुक्र किया होगा कि आपके ना फिल्म से पहले ये पेंडेमिक आकर सिनेमा बंद हो गए, वरना आपकी फिल्मों पे इल्ज़ाम लग जाना था क्या कि इन फिल्मों की वजह से सिनेमा बंद हो गई? बिल्कुल सही है ना? और अगर प्रीमियर पे मैं आपको बुला लेती तो डबल इल्ज़ाम मेरे सर पे आता। एग्जैक्टली, प्रोड्यूसर्स बेचारे सर पकड़ के बैठ जाते कि ये क्या बंदा बुलाया जिसने हमारी इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी की कि हमारी फिल्म नहीं चली। नहीं नहीं अभी फिल्म आने का है ना चांस के नहीं आने? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह है, कंप्लीट हो गई है फिल्म। कंप्लीट है, डब्बे में? हाँ अभी डब्बे में है। चलें ऐसा करते हैं फिर शो ख़त्म करते हैं, मुझे काम है, वो कॉल आ गई, मैंने कहीं जाना है। हाँ। तो अभी शो ख़त्म कर लें, कोई अगर मैसेज आपने एंड पे देना हो अपने चाहने वालों को तो नहीं, वो तो आप खुद भी दे सकते हैं, जो आपको चाहते नहीं, जो आपके दुश्मन हैं उन्हें प्लीज़ मैसेज दे दें कोई। जो मेरे हेटर्स हैं? यस यस हेटर्स। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आप तनकीद करते रहे, मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग है ये, मैं उससे बहुत कुछ सीखती हूँ। चलें, थैंक यू वेरी मच आपका शो में आने का, ठीक है आपने इतना टाइम वेस्ट किया अपना और सबका भी, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है तो इंशाल्लाह दोबारा कभी आप मुझे बुलाएं, मैं कभी नहीं आऊँगी, अल्लाह मुझे माफ़ करे आप जैसे इंसान को झेलना। सिर्फ ऐसे ऐसे मैंने नोट किया आपकी मेरी नाक में सिर्फ ये फ़र्क है, मेरी नाक ना लंबी होने के अलावा थोड़ी सी ना टेढ़ी है, आपकी बिल्कुल सीधी है।
तो कोई वो ऑपरेशन कराया था क्या? सीधी कैसे हुई? नाक तो सीधी होती है या आगे जाके लेफ्ट या राइट को टर्न ले लेती है? मेरी थोड़ी टेढ़ी हो गई है। तो आप सर्जरी करवाएं, मैं आपको डॉक्टर रेफर कर देती हूँ। मैं उनको फ़ोन भी कर दूंगी कि बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरा नाम लीजिएगा, वो भी मेरे फ़ैन हैं। आपकी नाक की सर्जरी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए। मेरे साथ आज ये जुनैरा महा मौजूद थी। अल्लाह हाफिज़।